वेलकम बेटा टू माई चैनल सो ईजी मैथ। माई डियर स्टूडेंट्स, अज आप 8th क्लास से नैक्सट माई फस्ट 100 डेज विद मैथमैटिक्स सॉल्व करांगे। वीडियो अच्छी लगी बेटा लाइक जरूर कर देना, चैनल को सबसक्राइब जरूर कर देना। चलो आप स्टार्ट करते हैं। डे 49, किसी बहुपद के बाहरले कोणों का जोड़ कि हों बेटा 360। सम ऑफ मैजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन इज 360। अपन पता बेटा जो बाहरले एंगल्स होंगे ने दिस वन, इन सब का जो जोड़ आ वो किन्ने बराबर होंगे बेटा 360, कोई मर्जी पॉलीगन हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द एडजॉइनिंग फिगर। ये अपने एक्स की वैल्यू बेटा वो फाइंड आउट करनी है। चलो आप स्टार्ट करते हैं। इतने है बेटा अपने को दिस वन 90, तो बाहरला एंगल भी किन्ना होगा 90 का, क्योंकि लीनियर पेयर ने दोनों जोड़ किन्ना होगा 180। दिस वन 90, ठीक है, दिस वन ए 60, दिस वन 90, 70। एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है। आप हमने करके हटे बेटा सारे बाहरले कोणों का सम ऑफ आल एक्सटीरियर एंगल्स किन्ना होंदा अपने कोल 360। 360 विच्चों बेटा जो आपू 4 एंगल्स गिवन ने उन्होंने ऐड करके माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे। मीन 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90, ये बन गया 360 माइनस, इनू ऐड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने कोल 310, तो माइनस करके कितना आ गया बेटा अपने कोल 50 डिग्री। क्लीयर जी? मीनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुहाडी 50। नैक्सट है बेटा अपने कोल एक संभव भुजावां की संख्या पता करनी है जिसके हरेक बारी कोण का माप किन्ना अपने कोल 45। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रैगुलर पोलीगन हूज एक्सटीरियर एंगल इज 45। नंबर ऑफ साइड्स भुजावां की गिनती का फार्मूला होंगे बेटा अपने कोल 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल्स, बाहरी कोण वो किन्ना अपने कोल 45। इनू डिवाइड करके देखो थोड़ा आंसर कितना आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी होंगे बेटा जी 8, मीनस ऑक्टागन बनेगी ये 8 भुज। क्लीयर जी? नैक्सट है बेटा अपने कोल समांतर चतुर्भुज गिवन आ, पैरलोग्राम गिवन आ, दसना बेटा ये केड़ा कथन फाल्स आ, ठीक है, केड़ा गलत है। जिमें सन्मुख भुजावां समांतर होंदिया हन, ऑपोजिट साइड्स आर पैरल, ठीक है बेटा, ऑपोजिट साइड मीनस दिस वन एंड दिस वन, ये पैरल होंदिया ने, ट्रू आ। सन्मुख भुजावां बराबर होंदिया हन, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, देखो बेटा इक्वल भी हैगियां ने, यह इक्वल आ, यह बेटा ये इक्वल आ। नैक्सट है विकर्ण बराबर होंदे हन, डायगनल्स आर इक्वल, की देखो दिस वन ते दिस वन दोनों इक्वल ने, नो मीनस केड़ी फॉल्स है ये थर्ड, क्योंकि डायगनल्स बेटा इक्वल नहीं होंगे, थर्ड रोंग, ठीक है जी। नैक्सट है बेटा अपने कोल पैरलोग्राम गिवन आ, दसना बेटा ए बी कि बराबर आ, याद रखियो ओपोजिट साइड्स की होंदिया ने जी इक्वल। देखो ए बी आ दिस वन कि बराबर होएगी डी सी दे, ए डी आ दिस वन ये कि बराबर होगी बेटा जी बी सी दे। क्लीयर जी? नैक्सट देखो बेटा समांतर चतुर्भुज के सन्मुख कोण बराबर होंगे, ऑपोजिट एंगल्स इन ए पैरलोग्राम आर इक्वल, ठीक है जी, तो अपने एक्स वाई जैड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑपोजिट एंगल ऑफ ए पैरलोग्राम आर इक्वल मीनस केड़े एंगल, दिस वन, यह एंगल बेटा ये बराबर होगा, यह एंगल बेटा ये बराबर होएगा, ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। हुण देखो हुण आपां सारे एंगल फाइंड आउट करने ने, हुण एंगल बी प्लस एंगल सी जां बी और ए भी ले सकते हो तुसीं, जिवें आपां लिखांगे एंगल बी प्लस एंगल सी, इन्हां जोड़ के बराबर होगा 180 दे। किहड़े एंगल ने एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम, समांतर चतुर्भुज दे लागवें कोण भी लिख सकते हो बेटा तुसीं इहनूं, ते तुसीं इहनूं होर किहड़े लिख सकते हो इंटीरियर एंगल्स, अंदरले कोण भी लिख सकते हो, मीनस अंदरले कोण, क्योंकि पैरलोग्राम आ पैरल लाइनस ने, ए इंटरसैक्टिंग लाइनस बन गई, ठीक है, और एडजसेंट एंगल्स। एक गल आ बी दी वैल्यू बेटा 100 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180,
तो एंगल सी की वैल्यू आ गई अपने को 180 माइनस 100 100 राइट साइड जाके माइनस दे हो गए इज इक्वल टू 80। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 80। आपां हुणे करके हटे हाँ ओपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरलोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सानू कौन होंगे ने की होंगे बेटा जी बराबर, जे एक्स 80 आ तो जैड की वैल्यू भी कितनी आ जूगी 80, बी 100 आ तो वाई की वैल्यू भी कितनी आ जूगी 100। क्लीयर जी। नैक्सट देखो बेटा, ये भी अपने पैरलोग्राम गिवन है, एक्स वाई जैड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये क्वेश्चन बेटा सेम ये नाल दे, देखो जो आप सॉल्व किया आ ये तुसीं खुद करना है। क्लीयर जी, तुहानू आंसर दस देनी है, सॉल्व आपे कर लेना। ये जिहड़ी जैड की वैल्यू है तुहाडी वह तुहाडी आ जाएगी बेटा जी 35, दिस 135, बी 145 आ तो वाई भी तुहाडा 145। ठीक है, इहनूं सॉल्व तुसीं खुद करना। नैक्सट है बेटा अपने कोल, फाइंड द मैजर्स ऑफ एक्स एंड वाई इन द एडजॉइनिंग फिगर। समानता चतुर्भुज गिवन आ, एक्स ते वाई दी वैल्यूज आपां ने फाइंड आउट करनिया ने। देखो बेटा आपां हुणे करके हटे हाँ भी जिहड़े पैरलोग्राम आ समानता चतुर्भुज ओपोजिट साइड्स की होंदियां ने इक्वल। रीज़न दवांगे पहलां, सिंस ओपोजिट साइड्स ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल, क्योंकि समानता चतुर्भुज दे सन्मुख भुजावां की होंदियां ने जी बराबर। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਯੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਯੂ ਸਾਈਡ ਆ ਦਿਸ ਵਨ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਐੱਸ ਐਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐੱਸ ਜੀ ਸਾਈਡ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ ਐੱਨ ਯੂ ਦੇ। ਵੈਲਿਸ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਜੀ ਯੂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3y-1, ਐੱਸ ਐਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 26, ਤਾਂ 3y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ 26, ਮਾਈਨਸ 1 ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਜਾ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦੇ 1, 3y is equal to 26 plus 1, 27, ते y दी वैल्यू कितनी आ गई 27/3, कैंसल आउट होके कितनी आ गई बेटा जी 9, ते y दी वैल्यू कितनी आ गई अपने को 9। सिमिलरली एस जी मीनस 3x, एन यू कितना अपने को 18, ते x दी वैल्यू कितनी आ गई 18, 3 मल्टीप्लाई च बेटा तो राइट साइड की हो जाएगी डिवाइड, ये कैंसल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई बेटा अपने कोल 6। क्लीयर जी, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा जी, ध्यान ना नोट कर लेना। नैक्सट है बेटा अपने कोल, पैरलोग्राम गिवन आ, एक्स वाई जैड की वैल्यू अपना ने फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा किदा करांगे अपना, सब तो पहला देखो दिस वन की बन रही है एक जैड, तो आ वाले एंगल्स दिस वन ये एंगल्स केड़े होंगे बेटा जी अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल्स एकांतर कोण। ठीक है, क्योंकि ये लाइनस की ने पैरलल, तो बेटा आह वाई एंगल आ। ठीक है, किदे बराबर होएगा 40 दे। क्लीयर जी, आप लिख सकते हैं एंगल वाई किदे बराबर होएगा 40 दे। केड़े एंगल बन गए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मीन्स एकांतर अंदरले कोण। क्लीयर बेटा, चलो वाई दी वैल्यू अपने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, हुण देखो दिस एंगल वाई ते जैड, हुण जिवें आ ट्रायंगल ले लिया अपां ने। ठीक है, इस ट्रायंगल का जिहड़ा 70 एंगल है बाहरला एंगल हो गया, ये दोनों अंदरले एंगल ने। अपन पता जिहड़ा बाहरी कोण हुंदा है एक्सटीरियर एंगल हुंदा है वह अंदरले सन्मुख कोण दे जोड़ दे की हुंदा है बराबर। ठीक है, मीनस जैड प्लस वाई आ वह किदे बराबर होगा जी 70 दे। क्लीयर जी, तो बेटा जैड की वैल्यू कितनी आप देखो अपने कोल फाइंड आउट करनी है, वाई कितना अपने कोल 40 इज इक्वल टू 70, तो जैड की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 70-40 इज इक्वल टू 30°। क्लीयर जी, हुण रह गया बेटा एक्स फाइंड आउट करना। ठीक है, हुण देखो आपां दो तरीके नाल फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला आपां इत्थे एंगल 1 पुट करके 1+70 लीनियर पेयर बन गए। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 जो 70 घटा के
110 कि बराबर आएगा एक्स के, क्योंकि ओपोजिट एंगलो पैरलोग्राम ने। ठीक है, एक होर तरीका भी है, मैं तुम दस दी हाँ हूँ एक्स कि फाइंड आउट करना। आप वाला एंगल सारा तो आ वाला एंगल किहड़े कोण ने, यह अंदरले कोण जां बेटा एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम भी लिख सकते हैं, मीनस लागवें कोण, जां इंटीरियर एंगल्स लिख सकते हैं। ठीक है जी, मीनस एक्स प्लस आ सारा कोण 40 प्लस जेड कि बराबर होएगा 180 दे। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लस 40, जेड की वैल्यू बेटा आप कि फाइंड आउट की 30 इज इक्वल टू 180, एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू कि आ गई 180 माइनस 70, 70 राइट साइड जाके माइनस दे कि आंसर आ गया अपने को 110। क्लीयर जी, नैक्सट देखो बेटा, ये भी देखो अपने को है समांतर चतुर्भुज है पैरलोग्राम आ, तो आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इतने प्रॉपर्टीज ये यूज होएगी, डायगनल्स ऑफ पैरलोग्राम बाइसैक्ट ईच अदर। ठीक है, मीन समांतर चतुर्भुज के दोवें विकर्ण एक दूजे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाज का मतलब यह होंगे बेटा जिवें एच ओ आ वो कि बराबर होगा ओ जे दे। ठीक है, तो ओ के दी वैल्यू कि बराबर होएगी ओ आई दे। बाइसैक्ट मीनस दो बराबर हिस्सों च वंडते हैं। ठीक है, तो आप कंसैप्ट यूज करा आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करा। देखो एच ओ आ दिस वन कि बराबर होएगा अपने को ओ जे दी, एच ओ कि एक्स प्लस 40 इज इक्वल टू 2x+18। ठीक है, 40 18 बेटा लैफ्ट साइड से लेके माइनस दे 18, 2x एक्स राइट साइड से जाके माइनस दे एक्स, 40 चो 18 माइनस करो कि आ गया थोड़े को 22, 2x चो एक्स माइनस किया बेटा 1x कि आ गया एक्स, तो एक्स की वैल्यू कि आ गई अपने को 22। क्लीयर जी, नैक्सट है बेटा अपने को अपने एक्स से वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पैरलोग्राम अपन गिवन आ। चलो आप सॉल्व करते हैं बेटा जी, सेम उ आप हूँ करके हटे हाँ, डायगनल्स ऑफ पैरलोग्राम बाइसैक्ट ईच अदर, उ प्रॉपर्टी यूज होएगी। लिखांगे पहला परिजन क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूजे को समद्विभाजित करते हैं, इन बेटा ओ का नाम दे लेंगे। इट मीनस जो एस ओ आ दिस साइड कि बराबर होगी ओ यू दे, ये तो फाइंड कर लैंने बेटा आप एस ओ कि 20 वाई प्लस 7, ओ यू की वैल्यू कि वाई प्लस 7 20 7 लैफ्ट साइड जाके माइनस दे 7 इज इक्वल टू वाई, यद मतलब बेटा वाई की वैल्यू कि आ गई थोड़े को 13। सिमिलरली आर ओ जा ओ आर इज इक्वल टू कि बराबर होएगा बेटा ओ एन, ओ आर कि 16 ओ एन कि अपने को एक्स प्लस वाई। हुण आपां बेटा वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके, इस पुट करांगे 16 इज इक्वल टू एक्स प्लस 13। ठीक है जी, तो 16 13 लैफ्ट साइड जाके माइनस दे 13 इज इक्वल टू एक्स, 16 माइनस 13 कितना बन गया जी 3, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने कोल 3, तो रीजन बेटा ये जरूर लिखना बाइसैक्ट वाला। नैक्सट है बेटा अपने कोल समांतर चतुर्भुज के संबंध में ही है भी केड़ा कथन गलत है। पहला पैरलोग्राम बनाने बेटा आप समांतर चतुर्भुज पैरलोग्राम ए बी सी डी, फर्स्ट है सन्मुख कोण बराबर होंगे हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ट्रू है बेटा, आप ये कंसैप्ट वरत्या भी आ, ए सी दे बराबर होंगे या बी एंगल आ डी दे बराबर होंगे या लागवें कोण आ जोड़ 180 डिग्री होंगे है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 मीनस ए प्लस डी का जोड़। ठीक है, 180 थानू दस्या सी ना, इन आप एडजेसेंट एंगल भी लिख सकते हैं मीनस लागवें कोण, इंटीरियर एंगल भी लिख सकते हैं मीनस अंदरले कोण, बी प्लस सी का जोड़ 180, ए ते बी का जोड़ 180, डी ते सी जो नाल लगते हैं, सम ऑफ आल इंटरनल फोर एंगल्स इज 270 अंदरले चारे कोणा जोड़ किन्ना होंदा 270, ट्रू आ फॉल्स, फॉल्स क्योंकि चारे कोणा जोड़ किन्ना होंदा बेटा अंदरले 360 मीन जी थर्ड स्टेटमेंट आ ये थोड़ी की आ फॉल्स। क्लीयर जी,
नैक्सट है बेटा अपने को एक क्वेश्चन रिपीटेड है, पहला आप कर चुके। नैक्सट है बेटा एच कंसैप्ट यूज होएगा समांतर चतुर्भुज के लागवें कोणा जोड़ 180 हुंदा है। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरलोग्राम इज 180। फाइंड करनी वैल्यू ऑफ एंगल डी एंड ई दी। पैरलोग्राम गिवन है बेटा, डी दी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ई दी आप हमने करके हटे हैं। लागवें कोणा जोड़ कितना हुंदा 180, ठीक है। मीनस एंगल डी प्लस एंगल ई कि बराबर आएगा जी 180 दे। वैल्यू ऑफ डी कि 2x प्लस 12 प्लस ई की वैल्यू कि बेटा 5x इज इक्वल टू 180। 2x प्लस 5x 7x इज इक्वल टू 180। 12 बेटा राइट साइड जाके माइनस से मीनस 7x की वैल्यू आ गई थोड़े को 180 माइनस 12 168। तो एक्स की वैल्यू कि आ गई 168 डिवाइडेड बाय 7। इनू 7 से डिवाइड करो बेटा तो एक्स की वैल्यू कि आ गई अपने को 24 डिग्री। हुण वैल्यूज फाइंड करनिया ने एंगल ई ते डी दी। एंगल ई कि अपने को 5x मीनस 5 × 24 इनू मल्टीप्लाई करो बेटा 5 × 24 दे नाल कि आ गया अपने को 120। सिमिलरली एंगल जो डी है वो वैल्यू कि अपने को 2x प्लस 12 इस एक्स की वैल्यू पुट कर दो 2x कि बेटा अपने को 24 प्लस 12 2 × 24 48 प्लस 12 कि वैल्यू आ गई अपने को 60 डिग्री। क्लीयर बेटा जी। नैक्सट वन देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। पैरलोग्राम अपन गिवन आ, मेरे सन्मुख कौन बराबर हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ माइन आर इक्वल, ठीक है। इस कंसैप्ट वरतना अपा ने तो एक्स वाई जैड की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनिया ने। चलो बेटा आप सॉल्व करते हैं। सिमिलरली बेटा आप पहले भी ये क्वेश्चन कर चुके, दिस वन एक ही बन गई अपने को जैड दे कॉर्नर। दिस वन पर तो आप फाइंड करना नहीं, आप एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप उल्टा जैड बनाने। दिस वन इदा आ जैड दे की ने बेटा जी कॉर्नर, तो दोनों की होंगे इक्वल, ठीक है, क्योंकि ये दोनों लाइनस की ने पैरलल, तो ये की बन गई अपने को इंटरसैक्टिंग लाइन। तो आप लिख सकते हैं एक्स से जैड दोनों की होंगे बेटा जी इक्वल, ठीक है। मीनस जब एक्स या जैड विच एक एंगल फाइंड आउट कर लिए तो दूजा एंगल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इट मीनस पहला एक्स से जैड विच एक एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। हुण देखो अपन पता ओपोजिट एंगल इक्वल होंगे ने, मीनस ए 112 आ तो वाई की वैल्यू भी कि आऊगी 112। वाई कि आ गया बेटा अपने को 112 बिकॉज ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल। सानू कौन जो पैरलोग्राम के समांतर चतुर्भुज ने की होंगे ने जी बराबर, ठीक है। वाई की वैल्यू कर ली अपने, हम देखो 40 वाई तो एक्स एक ट्रैंगल के कोण ने, दो कोण अपन पता ने, तीजा कोण आप कट सकते हैं क्योंकि अपन पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ट्रैंगल कि बराबर होंगे जी 180 दे बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैंगल क्योंकि त्रिभुज के तिने कोणा जोड़ 180 डिग्री हुंदा या, इट मीनस एक्स प्लस वाई प्लस 40 कि बराबर आज बेटा 180 दे। एक्स प्लस वाई की वैल्यू कि 112 प्लस 40 इज इक्वल टू 180। तो बेटा एक्स प्लस 112 प्लस 40 कि बन गया 152 इज इक्वल टू 180। यदा मतलब बेटा एक्स की वैल्यू कि आ गई 180 माइनस 152, ठीक है। तो कि आ गया अपने को 28, ठीक है। एक्स की वैल्यू कि आ गई बेटा अपने को 28। हूँ जिनी एक्स आ उन्नी कि वैल्यू होएगी वाई, किड़े कौन ने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एकांतर अंदरले कौन, ठीक है। मीनस एक्स इज इक्वल टू जैड आ गया, एक्स अपने को 28 आ तो जैड की वैल्यू भी कि आ गई अपने को 28। क्लीयर जी। नैक्सट देखो बेटा,
नैक्सट है अपने को भी अपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दो पैरलोग्राम्स ने रिस्क ते क्ल्यू, ठीक है, समांतर चतुर्भुज ने पैरलोग्राम ते एक्स अपने फाइंड आउट करना है। देखो बेटा नाम दे लांगे पहला इनू आपां, दिस वन एंगल वन, दिस एंगल टू। हुण इह देखो बेटा जिहड़ी सी एल यू ई क्ल्यू आ एक एक पैरलोग्राम ते ओपोजिट एंगल सन्मुख कोण की होणगे बराबर। पहला बेटा रीजन हमेशा लिखिया करो, ओपोजिट एंगल्स ऑफ पैरलोग्राम आर इक्वल, ठीक है, समांतर चतुर्भुज सन्मुख कोण की होंगे ने जी बराबर। यदा मतलब जो एंगल वन आप मनिया आ वह कि बराबर आऊगा एंगल एल दे, मीनस एंगल वन की वैल्यू कि आ गई अपने कोल 70, ठीक है जी। हूँ अपन पता एंगल के ते एंगल टू ए की अपने कोल पैरलोग्राम रिस्क दिस वन, तो ये दोनों एंगल्स केड़े ने लागवें एंगल्स, लागवें कोण एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है, केड़े ने बेटा ये एडजेसेंट एंगल्स लागवें, तो इन्हों दोनों का कोणा जोड़ कितना होंदा जी 180, मीनस एंगल के प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180। एंगल के कितना बेटा अपने कोल 120 प्लस एंगल टू इज इक्वल टू 180, तो एंगल टू की वैल्यू आ गई 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्लीयर जी। हुण रह गई बेटे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। हुण एंगल वन भी पता एंगल टू भी पता, तो आप ए ट्रैंगल ले लाँगे दिस वन, ठीक है, इतों एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करांगे क्योंकि अपन पता तिने कोणा का जोड़ किन्ना हुंदा 180, सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्रैंगल इज इक्वल टू 180, तो यह मतलब बेटा एक्स की वैल्यू थोड़ी कि आ जाएगी 180 माइनस एंगल वन प्लस एंगल टू, एंगल वन सीगा 70, एंगल टू सी 60, ये बन गई बेटा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। क्लीयर जी। नैक्सट है बेटा अपने कोल एक रोंबस गिवन है, एक्स वाई जैड की वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। वैरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, याद रखना जी रोंबस आ सम चतुर्भुज आ एक तो सारिया साइड्स की होंदिया ने इक्वल, देखो जैड तो सीधे निकल गया अपने एक 13 गिवन आ तो सारिया साइड्स कि 13 मीनस जैड की वैल्यू थोड़े को आ गई 13। रीजन लिखोगे बिकॉज आल साइड्स ऑफ रोंबस आर इक्वल, क्योंकि सम चतुर्भुज दियाँ सारिया भुजावं की होंदिया ने बराबर। एक बेटा ये डायगनल्स होंगे ने वह भी एक दूजे राइट बायसैक्ट करते हैं, मीनस 90 के कोण से सम दुभाजित करते हैं, ठीक है। सिंस डायगनल्स ऑफ पैरलोग्राम राइट बायसैक्ट ईच अदर, राइट बाइसैक्ट ईच अदर, इन्हें पंजाबी की लिखोंगे क्योंकि सम चतुर्भुज दे सॉरी बेटा पैरलोग्राम मैंने फिर लिखता इतने क्या होगा रोंबस, ठीक है, क्योंकि सम चतुर्भुज दे जिहड़े विकरण ने एक दूजे नूं लंब सम दुभाजित करते हैं, ठीक है। इहदा मतलब बेटा अपने कोल ओ सी साइड आ वो किहदे बराबर होगी ओ आर दे, आपां लिखांगे ओ आर इज इक्वल टू ओ सी, ओ आर किन्ना वाई, वाई इज इक्वल टू 12। सिमिलरली जिहड़ी ई ओ साइड आ वो किहदे बराबर होगी ओ आई दे, इट मीनस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाऊ अपने कोल 5। ये सम क्वेश्चन सौखा भी आ ते इंपॉर्टेंट भी आ, ठीक है जी। नैक्सट देखो बेटा ये तो दसना ही आ अपने आस पास मौजूद समलंब आकारां दे वस्तु सूची बनानी आ, तुसीं जो आसे पासे देखते हो, ठीक है, जो तुहानूं ट्रपीज़े मिलदियां ने वो तुसीं पेस्ट करनियां ने। ट्रपीज़े मीनस जिहदे ओपोजिट साइड दा एक पेयर की हुंदा है पैरलर, ठीक है। हुण इत्थे दसनियां ने किन्नियां बन गईयां, चलो काउंट करदे आं आपां, 1 2 क्योंकि आ साइड्स पैरलल ने, 3 4 ठीक है जी, दिस वन 5
एक होल सिक्स, टोटल किन्ने बन गए बेटा जी सिक्स। नैक्सट देखो ये दसना बेटा अपने कोल एल वन एल टू दोनों लाइनस की ने पैरल समांतर, एल की है बेटा काटवीं रेखा ट्रांसवर्सल लाइन, तो टू तो थ्री है जोड़ा एंगल है जोड़ किन्ना होगा एंगल टू एंड थ्री। मैं आप पैलोग्राम से भी किया जिन्हें मैं थोड़ा कहा लागवे एंगल कह सकते हैं आप एडजसेट एंगल्स, तो होर की कहने आप अंदरले कोण, एक किड़े कोण ने अंदरले कोण, ठीक है जी इंटीरियर एंगल्स, ठीक है ये है बेटा जी अपने कोल इंटीरियर एंगल्स। क्लीयर जी, तो दोनों जोड़ कि होगा एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू 180। नैक्सट देखो समलंब चतुर्भुज हैगे बेटा ट्रपीजियम हैगी आप एंगल सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो एंगल बी तो एंगल सी ये किड़े कोण ने अंदरले कोण, क्योंकि दोनों पैरलल लाइनस ने, दिस वन ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसैक्टिंग लाइनस, ठीक है। हुण देखो इहदा मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों जोड़ किहदे बराबर होगा 180 दे, बी हैगा 120 प्लस सी इज इक्वल टू 180, तो एंगल सी की वैल्यू आ गई बेटा 180 माइनस 120 तो किन्ना आ गया अपने कोल 60 डिग्री। क्लीयर बेटा, थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो, इहनू वध तों वध लाइक करो, जिन्हें ज़्यादा लाइक होंगे उन्नी ही मैं अगली वीडियो छेती अपलोड करांगी, ठीक है बेटा जी। थैंक्स बेटा फॉर वाचिंग दिस वीडियो।